हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियान एफएफ एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वांगशियान फैन फिक्शन डैट ऑब्सेशन के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विंग के वर्ड सुनने के बाद लेंजन के फेस पर स्माइल और भी ज़्यादा वाइड हो जाती है। लेंजन विदाउट वेस्टिंग टाइम विंग को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेड के पास लेकर आता है और उसे बेड के पास लाकर बेड पर ड्रॉप कर देता है, जिससे विंग के बॉडी बेड पर बाउंस होता है। विंग बेड पर लेंजन के नीचे लेटा हुआ था और लेंजन उसे हंग्रीली किस कर रहा था। विंग सरप्राइज्ड हो जाता है जिस तरह से उसका बॉडी लेंजन के छूने पर रिएक्ट कर रहा है। ये उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। विंग लेंजन के लिए फीलिंग्स रखने लगा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था लेंजन के टच से उस अपने बॉडी में इतनी एक्साइटमेंट होगी और वो इसके लिए और भी ज़्यादा हंग्री हो जाएगा। उसने ये कभी नहीं सोचा था जिसे वो डैडी कहता है उसके साथ वो खुद को शेयर करेगा। लेंजन के एवरी सिंगल टच से विंग मौन करने लगता है। लेंजन विंग के नेक पर किस कर डीप वॉइस में कहता है, एंजल व्हाई आर यू सो हॉट एंड सेक्सी, आई वॉन्ट टू ईट यू। आज मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। विंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके कहता है, डोंट टीज मी लेंजा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जस्ट डू इट फर्स्ट। विंग के मुंह से अपना नाम सुनकर लेंजन और ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। लेंजन विंग के नेक पर इमिडिएटली बाइट कर लेता है, जिससे विंग पेन में लाउडली स्क्रीम करने लगता है। लेंजन विंग को अनड्रेस करते हुए उसकी एवरी एक्सपोज बॉडी पार्ट पर किस करने लगता है, जिसे विंग सॉफ्टली मौन करता है। लेंजन अपने हार्ड एक्शन से विंग को हार्ट करना और उसके बॉडी में बाइट कर वाइट मार्क छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लेंजन खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। विंग के खूबसूरत अट्रैक्टिव बॉडी उसे एवरी सेकेंड ऐसा करने के लिए और भी ज़्यादा सीरियस और टेम्प्ट कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था मौन करते हुए। विंग लेंजा के नीचे लेटकर ऐसे शेमलेसली मौन करना नहीं चाहता था, लेकिन जो प्लेजर और लव उसे लेंजन से मिल रहा था उस वजह से विंग खुद को मौन करने से रोक ही नहीं पा रहा था। विंग को अनड्रेस करने के बाद लेंजन अपने इंटेंस लुक से विंग को सिर से लेकर पैरों तक घूरने लगता है। लेंजन को इंटेंसली खुद के तरफ घूरते हुए देखकर विंग शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन वो लेंजन के सामने अपना शाइनेस और नर्वसनेस शो नहीं करना चाहता था। लेंजन विंग के शिवरिंग लिप्स पर अपने थंब से कारेस करते हुए खुद को अनड्रेस करने लगता है। विंग लेंजन के ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बॉडी को देखकर अनजाने में ही अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेंजन को इंटेंसली घूरने लगता है और लेंजा ये बात नोटिस कर लेता है। लेंजन टीजिंग स्माइल देते हुए कहता है, एंजल डू यू लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे टच कर सकते हो, तुम इसे फील कर सकते हो। विंग अनकॉन्शियसली और शेमलेसली अपने हाथों से लेंजन की ऑयल बिल्ड बॉडी और टोन स्ट्रॉन्ग मसल्स टच करने और उसे महसूस करने लगता है। ऐसा करते हुए विंग खुद को हार्ड होते हुए महसूस कर पा रहा था। लेंजन एक हाथ से विंग का लेग होल्ड कर उसे अपने करीब पुल करता है। अचानक लेंजन के एक्शन विंग को डरा देता है, जिसे विंग अपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेता है। लेंजन सॉफ्ट टोन में कहता है, एंजल आर यू ओके, क्या तुम इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो टेल मी, मैं इसे तुरंत रोक दूंगा, या फिर तुम अभी भी मेरे टच से अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हो। विंग, मैं खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहता, आई लव यू, जैसे तुम हो वैसे ही मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, और मैं चाहता हूँ मैं जैसे हूँ तुम भी मुझे वैसे ही लाइक करो और लव करो। मैं सबके लिए डेंजरस हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ओवर सॉफ्ट हूँ, बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग के बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था। विंग लेंजा के हाथ अपने चीक पर रब करते हुए सिडक्टिव वे में कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ डैडी, आई ऑल्सो लव यू। लेंजन स्माइल कर विंग के करीब झुकता है। लेंजा के क्लोज आने के कारण विंग और अच्छे से लेंजा के मस्कुलर बॉडी और हार्ड
चेस्ट देखकर ब्लश हो जाता है। फिंग अपना ब्लशिंग फेस अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। लेन जान अपने डीप वॉइस में कहता है, एंजेल डोंट हाइड योर फेस, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। बात करते हुए लेन जान अपना राइट हैंड विंग के थाई पर लेकर जाता है और अपने बीक और रफ हैंड से विंग के थीक थाई को स्क्वीज करता है। प्लेजर के कारण विंग के मुंह से सॉफ्ट मौन निकलता है। लंजन विंग के टू लेग्स के बीच में आकर बैठकर उसके इनर थाई पर किस करता है। नेक्स्ट पल में ही लंजन थोड़ा और झुककर विंग के हार्ट मेंबर अपने माउथ के अंदर ले लेता है, जो विंग के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था और शॉकिंग भी। लंजन के सडन एक्शन से विंग के सांसें उसके गले में ही अटक जाता है। इससे पहले कि विंग इस प्लेजर से खुद को संभाल पाता जो लंजन इस वक्त उसे दे रहा था, लेन जान अपना हेड स्लो मोशन में अप एंड डाउन करता है। लेन जान एंटर हिज टू फिंगर्स इनसाइड हिज होल एंड सकिंग हिज हार्ट मेंबर सो बैडली, विंग पेन से चीखने और चिल्लाने लगता है। उसके बॉडी शिवर करने लगता है। पेन और प्लेजर में विंग हेल्पलेसली मौन करता है। उसे अभी अपने हार्ट मेंबर के चारों ओर वार्म और बेट सब महसूस होने लगता है। सडनली लेन जान अपने फिंगर पुल आउट कर जल्द ही विंग से अलग होकर बेड पर लेट जाता है। विंग कॉन्फ्यूजिंगली पूछता है, लेन जान तुम रुक क्यों गए? लेन जान इंटेंसली विंग को घूरते हुए कहता है, अब ब्लेजर देने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर विंग शर्म से लाल हो जाता है। विंग अपना हेड नीचे कर लो वॉयस में कहता है, लेकिन मैं कैसे, मुझे ये सब नहीं आता लंजा। लेन जान कहता है, जस्ट डू इट, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, तुम्हें जो मन करे तुम वो करो। विंग नर्वसली लेन जान के करीब आता है। विंग अपने शेकिंग हैंड से लेन जान के एब्स को टच करता है। उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे विंग के हैंड लेन जान की पूरी बॉडी में घूमने लगता है। विंग के सॉफ्ट हैंड की टच से लेन जान क्रेजी हो रहा था। वो बस अभी विंग को हंग्री उल्फ की तरह बाइट कर खा जाना चाहता था, लेकिन लेन जान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने एंजेल को इस रूप में देखने के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और फाइनली ऐसा हो रहा है। ये सोचकर ही लेन जान अपना कंट्रोल खोने लगा। लेन जान के बॉडी में हाथ फिराते हुए विंग अपने सॉफ्ट लिप्स लेन जान के ओपन हार्ड चेस्ट पर प्रेस कर उसे सॉफ्टली किस कर उसके निपल पर अपना टांग रोल करते ही लेन जान कंट्रोल लेस होकर मौन करता है। विंग के सॉफ्ट टच से इस वक्त लेन जान के बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। विंग के हाथ लेन जान के हॉट बॉडी छूकर महसूस करने में इतना खो जाता है कि उसने बिना सोचे ही अपना हाथ लेन जान के मैन हुड पर लेकर आता है, जो लेन जान के ब्रीथ कुछ सेकेंड के लिए रोक देता है। लंजन जो प्लेजर में बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर विंग के सॉफ्ट टच महसूस करने में बिजी था, अब वो एक सेकंड में ही अपना आंखें खोल विंग का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, एंजेल आर यू आउट ऑफ योर माइंड, लीव, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो इसे छोड़ो। विंग के लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो विंग एक्साइटमेंट के कारण बहुत ज़्यादा हार्शली लेन जान के प्राइवेट पार्ट को हैंडल और टच कर रहा था, जिससे लेन जान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेन जान लाउड वॉइस में कहता है, एंजेल आई सेड लीव, मैं तुम्हें बाद में इसे टीच करूँगा कि इसे कैसे करना है, यू हर्ट डैडी, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊँगा, ओके, सो प्लीज़ स्टॉप। लेकिन विंग जीत पे आरा हुआ था। विंग लिटिल बेबी की तरह खुश हो रहा था ऐसा करते हुए। लेन जान पेन में अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर क्राइंग वॉइस में कहता है, ओ गॉड, वी ए कोई स्टिक नहीं है, प्लीज़ लीव। लेन जान विंग के अंदर इतना डेस्परेशन देखकर इमीडिएटली उन दोनों के बीच पोजीशन को चेंज करता है और खुद विंग के ऊपर आकर उसे काम डाउन करने के लिए उसे बेड पर पिन कर अपने एक हाथ से उसका दोनों हाथ होल्ड कर सॉफ्टली किस करते हुए खुद को उसके इनसाइड इंसर्ट करता है। विंग पेन में बेडशीट कसकर अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लेन जान के माउथ के अंदर ही मौन करने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट लेन जान बेड पर लेटा हुआ था और विंग लेन जान के ऊपर लेटा हुआ था। दोनों हेवीली ब्रीद ले रहा था।
दोनों ही पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। लंजन वी के हेयर्स उसके चेहरे से हटाकर उसके ईयर के पीछे टिका कर डीप हंस की वॉइस में कहता है, एंजल प्रॉमिस मी तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विंग हेबिली ब्रीथ लेते हुए कहता है, प्रॉमिस मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई लव यू डैडी। लैन चान कहता है, वी आई नो तुम अभी स्टडी करने में बिजी हो और मैं भी चाहता हूँ कि तुम स्टडी करो और स्टडी कंप्लीट करो, लेकिन मेरे लिए अब तुम्हारे बिना रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं पाना चाहता। लंजन के वर्ड सुनकर विंग हैरान हो जाता है। लंजन कहता है, मेरा मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी। विंग विदाउट एनी सेकेंड तुरंत कहता है, यस आई विल डैडी। अचानक विंग बहुत खामोश हो जाता है। लंजन अपने फिंगर से विंग के ईयर टच कर सॉफ्ट टोन में कहता है, वी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना। विंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ डैडी, प्लीज़ इबो को कुछ मत करना। लंजन बिना कोई जवाब दिए विंग को बेड पर लेटाकर खुद बेड से उठकर बाथरूम चला जाता है। शावर लेकर लंजन कमरे में आता है। विंग ऑलरेडी सो गया था। लंजन केयरफुली बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट से विंग को और खुद को कवर कर उसे अपने आर्म्स में होल्ड कर सो जाता है। सुबह विंग आंखें खोलकर पहले बेड की दूसरी साइड देखता है। लंजन बेड पर नहीं था। विंग उठकर बाथरूम डोर ओपन कर बाथरूम में चेक करता है। लंजन बाथरूम में भी नहीं था। विंग तैयार होकर नीचे आ जाता है। लिविंग रूम में भी लंजन नहीं था। विंग सर्वेंट को बुलाकर लंजन के बारे में पूछता है। सर्वेंट को पता नहीं है लंजन कहाँ गया है। विंग नाश्ता करके बेडरूम आकर लैपटॉप में फिर से लंजन को कैसे ठीक किया जाए उस पर रिसर्च करता है। बहुत सारी आर्टिकल्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया था। उसमें रेगुलर मेडिटेशन और थेरेपी भी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब विंग ये सोचने लगता है वो लंजन को कैसे थेरेपी के लिए कन्वेंस कर सकता है। विंग अपने ही ख्यालों के साथ फाइट कर रहा था तभी अचानक डोर ओपन होता है और लंजन कमरे में एंटर करता है। जब विंग पीछे मुड़कर लंजन के तरफ स्माइल करके देखता है, लंजन के जो लुक्स थे वो बहुत इंटेंस और थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। लंजन क्लोजेस्ट ओपन कर कुछ ढूंढने लगता है। विंग जल्दी से लैपटॉप पीलो के नीचे छुपा कर सॉफ्ट टोन में पूछता है, लंजन क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लंजन कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। विंग बेड से उठकर लंजन के पास आकर उसका एल्बो होल्ड कर अगेन सॉफ्ट टोन में पूछता है, डैडी डू यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर देता हूँ। विंग के आवाज़ से लंजन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग पर वॉइस रेज करके कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। इतने दिनों में लंजन कभी विंग के साथ रूडली बात नहीं किया था। लंजन के हार्श वर्ड से विंग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा है। अब तक विंग के फेस पर जो स्माइल था वो लंजन के हार्श वर्ड से धीरे धीरे फेड हो जाता है। लंजन ने जब विंग का उतरा हुआ शक्ल देखा, सेकंड में उसका एंगर वाला साइड गायब हो गया और वो तुरंत सॉफ्ट हो गया। लंजन विंग का रिस्ट पकड़कर उसे अपने करीब पुल कर जल्दी से हग कर लेता है और विंग के सिर पर किस करके कहता है, आई एम सो सॉरी एंजल, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था और मेरा कोई इरादा नहीं था तुम पर शाउट करने का। विंग हग ब्रेक कर कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ लंजन, अगर तुम मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर दूँ। लंजन के फेस पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। विंग अपने बातों से लंजन को कंफर्ट फील करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि लंजन जब बेटर फील करे तब वो खुद उसे सब कुछ बताए। लंजन हाथ ब्रेक करके बेड के कॉर्नर में जाकर बैठ गया। विंग लंजन के पास आकर बैठ जाता है बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है अगर वो लंजन से अभी सवाल करेगा तो लंजन उसे कुछ नहीं बताएगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद लंजन कहता है, इट्स ओके एंजल,
तुम्हें चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। विंग लेंजन के शोल्डर पर सिर रखकर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। लेंजन कहता है, मैं अपने ही प्रॉब्लम के वजह से बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मुझे डर है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। आई फील सो इनसिक्योर। जिस तरह से लेंजन अपने दिल की बात विंग से कह रहा था, विंग लेंजन के पेन को महसूस कर पा रहा था। विंग इमीडिएटली लेंजन को टाइटली हक कर उसके बैक पर सॉफ्टली हाथ फिराने लगता है। लेंजन सॉफ्ट टोन में पूछता है, एंजेल क्या तुम्हें सच में लगता है आई डिजर्व टू बी लव्ड और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा माफिया होने से? मतलब तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो ना? विंग लेंजन की पिंकिश ईयर लुप पर किस करके कहता है, यस तुम प्यार डिजर्व करते हो लेंजा। विंग के वर्ड लेंजन को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करवा रहा था। लेंजन और टाइटली विंग को हक करके कहता है, यू विल स्टे विथ मी टिल माई लास्ट ब्रीथ राइट एंजल? विंग लेंजन के बात पर नोट करता है। अब लेंजन लो वॉइस में कहता है, मैंने उसे फ्री कर दिया है तो अब तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की परमिशन नहीं दूंगा। विंग हैप्पीली लेंजन के ऊपर जंप करता है, जिसे लेंजन बेड पर ही गिर जाता है और विंग लेंजन के ऊपर होता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।